देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी रविंद्रपुरी स्थित त्रिवेणी आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वाराणसी नहीं देश के प्रतिष्ठित कलाकार प्रोफेसर सुनील कुमार विश्वकर्मा और शहर की चर्चित समाज सेविका रश्मि राय के द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी कुल 18 महिला कलाकारों की 30 कृतियों को कला दीर्घा में लगाया गया था। इस कलाकृतियों का अवलोकन उद्घाटन के बाद 3 दिनों तक 25 नवंबर से 27 नवंबर प्रातः 11 बजे से शाम 7 बजे तक कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का संयोजक डॉक्टर शारदा सिंह द्वारा किया गया। कलाकारों का परिचय विनीता मिधर द्वारा और धन्यवाद ज्ञापन निहारिका सिंह द्वारा दिया गया, जिन कलाकारों की कृतियां अवलोकनार्थ लगी। अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर शारदा सिंह, एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। मैम, किस तरह का ये लगाया गया है प्रदर्शनी और कहाँ पर लगाया गया है? जी, ये हमारे आर्टिस्ट ऑफ वीमेन एक संस्था है जो विभिन्न कलाकारों को लेके काम करती है। पिछले 6 सालों से हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे आज हमारी एक प्रदर्शनी लगी है रविंद्रपुरी में त्रिवेणी आर्ट गैलरी में, और लोगों के लिए ये प्रदर्शनी 3 दिन तक यहाँ पे रहेगी, 27 तारीख तक रहेगी। और इसमें इस प्रदर्शनी की खासियत कि इसमें एक छोटे बच्चे के कलाकार से लेके एक जो वयस्क महिला कलाकार हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, सबकी पेंटिंग यहाँ पे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगी। यही इस प्रदर्शनी की जो खासियत है। इसमें बच्चों ने भी अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं, अलग अलग विधा को लेके बनाई है। किसी की मधुबनी पेंटिंग है और हमारी कविता वर्मा जी हैं वो फुट को लेके काम करती हैं कि जन्म और मरण ये आपका पैर से पदचिन्ह को लेके वो काम करती हैं, तो उनकी भी पेंटिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे जयश्री द्विवेदी जी हैं, इस तरह माधुरी शर्मा जी हैं, सभी लोगों की पेंटिंग यहाँ पे अवलोकनार्थ 27 तारीख तक रहेगी। कितने पेंटिंग लगाए गए, संख्या कितनी लगभग? यहाँ पे करीब 35 पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग लोगों के लिए हैं।